हाय दोस्तों, मैं बबलू आपका स्वागत करता हूं JSM कारपेंटर में। हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेफ टूल का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी तरह का सेफ बना लीजिए। रेक्टेंगल टूल हमने बनाया, फिर एक सर्कल टूल क्रिएट किया। उसके बाद दोनों सेफ के अंदर अलग अलग कलर फील कर दें। उसके बाद सर्कल टूल को ड्रैग करके रेक्टेंगल टूल पर रख दें। फिर दोनों शेप को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर में आपका ये सब ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। अब इस ऑप्शन को आप कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है वेल्ड ऑप्शन। वेल्ड ऑप्शन का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं? वेल्ड ऑप्शन का यूज का मतलब क्या होता है? वेल्ड ऑप्शन का मतलब क्या होता है? वेल्ड ऑप्शन का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, उसे वेल्ड कहते हैं। जैसे कि सर्कल और ट्रायंगल को, सर्कल और रेक्टेंगल को जोड़ना। हमने दोनों शेप को सेलेक्ट कर लिया, फिर वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने से ये हुआ कि सर्कल और रेक्टेंगल शेप दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए। तो ये होता है वेल्ड का यूज। अब हम सीखेंगे कि ट्रिम का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ट्रिम यूज होता है किस तरीके से? कि सर्कल को आप रेक्टेंगल के ऊपर ले जाके प्रेस रखेंगे। जितना दूर, जितने जगह पर सर्कल शेप रहेगा उतनी जगह से वो क्रॉप हो जाएगा, मीन्स कट जाएगा। तो देखिए, आप सर्कल को आप साइड करेंगे तो देखेंगे कि जितना दूर तक सर्कल का शेप था उतना दूर तक ये कट चुका है। तो इस तरीके से यूज होता है ट्रिम ऑप्शन। अब ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का यूज हम किस तरीके से करते हैं? इंटरसेक्ट का यूज होता है जैसे कि आपने सर्कल को रेक्टेंगल के ऊपर रखा, बट ये इतने दूर तक का गैप, इतने दूर ये ढक चुका है। जितनी दूर तक ये ढका हुआ है, मीन्स कवर हो रखा है, उतना दूर तक का ये नया शेप क्रिएट करेगा। देखिए, सर्कल को अलग कर दीजिए, रेक्टेंगल को अलग कर दीजिए। जितने दूर तक शेप कवर हो रखा था उतने दूर तक का नया शेप क्रिएट हो गया। इस तरीके से यूज होता है इंटरसेक्ट ऑप्शन। अब हम यूज करेंगे सिंप्लीफाई ऑप्शन। सिंप्लीफाई ऑप्शन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं? सिंप्लीफाई का यूज हमारा एक तरह से होता है कि एक शेप को दूसरे शेप को एक शेप से दूसरे शेप को कट करना। हम चाहते हैं कि इसके नीचे का जो रेक्टेंगल शेप है वो कट हो जाए सर्कल के शेप से। तो दोनों शेप को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये होगा कि ये देखो, ये कट गया। बट आप सोचेंगे ये तो हमारा ट्रिम ऑप्शन से भी अवेलेबल है, ट्रिम ऑप्शन से भी हम इसे ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिम ऑप्शन पे भी क्लिक करके हमने करा तो सेम हुआ। बट ट्रिम और सिंप्लीफाई में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में, आई मीन दोन सिंप्लीफाई और ट्रिम में डिफरेंट क्या होता है? तो डिफरेंट ये होता है दोस्तों कि डिफरेंट एक ये होता है कि दोस्तों, सबसे पहले आप चार शेप ले लीजिए। मान के चलिए आपने एक चार रेक्टेंगल टूल क्रिएट करें। चार रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद एक सर्कल शेप क्रिएट किया। फिर हमने सर्कल शेप को सेलेक्ट करके ड्रैग करके हमने चारों शेप के सेंटर में रख दिया। फिर हमने चारों शेप के अंदर कलर फिल कर दिए। उसके बाद हमने सर्कल शेप को सेलेक्ट करके उसके अंदर अलग कलर फिल कर दिया गया। फिर सभी शेप को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए, सर्कल को आप
अलग करेंगे तो जितनी दूर जितनी जगह पर सर्कल का शेप रखा हुआ था उतनी जगह से कट गया, शेप क्रिएट हो गया, मीन्स वहाँ से कट चुका है, जगह बना लिया इसने। तो इस तरीके से यूज होता है सिंप्लीफाई। अब ट्रिम का ऑप्शन किस तरीके से होता है, ट्रिम ऑप्शन और सिंप्लीफाई ऑप्शन। सिंप्लीफाई ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि सिंप्लीफाई ऑप्शन का यूज एक की जगह एक से लेकर अनगिनत शेप को एक बार में ये कट कर सकता है, और ट्रिम ऑप्शन सिर्फ एक बार ही यूज हो सकता है। अब हम देखेंगे अब हम सीखेंगे फ्रंट माइनस बैक। तो इससे फ्रंट माइनस बैक होता क्या है, फ्रंट माइनस बैक ये होता है कि सर्कल एक फ्रंट में है, मीन्स सबसे ऊपर है, और रेक्टेंगल टूल सबसे रेक्टेंगल टूल बैक साइड में है। तो इसमें बताया गया है कि फ्रंट माइनस बैक दोनों शेप को सेलेक्ट कर ले, उसके बाद इसे फ्रंट माइनस बैक करना है। तो फ्रंट माइनस बैक कैसे होगा, फ्रंट माइनस बैक मतलब होता है कि बैक साइड का गायब हो जाएगा और फ्रंट के हिस्से तक का जहाँ तक का बैक हिस्सा है वहाँ तक इसे कट कर देगा, मीन्स माइनस कर देगा। तो कैसे होगा देखिए, अब हम सीखेंगे क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, एक तरह का बाउंड्री ब्लैंक बाउंड्री क्रिएट करना। तो उसके लिए कैसे बाउंड्री का यूज कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले दोनों शेप को सेलेक्ट कर लें, फिर क्रिएट बाउंड्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि दोनों शेप को इसने वेल्ड करते हुए एक नया शेप तैयार करा, उसे इस चीज़ को बाउंड्री कहते हैं, और ये शेप जैसा था वैसा ही है। तो इस तरीके से हमारा यूज होता है क्रिएट बाउंड्री। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।